एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते ही हमें ऐसा लगता है, एक कपल को ऐसा लगता है, बिकॉज इतने दिन से उनको उस चीज़ के लिए वो वेट करते रहते हैं कि वो कब माँ बने। उनको लगता है कि कब मैं अपना बीटा एचसीजी टेस्ट या कब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूँ। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के तीसरे दिन से ये टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पर हम लोग एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसको मना करते हैं, बिकॉज जो एंग्जाइटी लेवल होती है, स्ट्रेस लेवल होती है, वो अगर बहुत हाई है आपके बॉडी में तो वो बहुत डेंजरस है, बिकॉज वो फिर अच्छे हार्मोन्स को नहीं बनाती है और इससे कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी आने में ये रुकावट होती है, ये बाध्य होती है। तो यूजुअली पेशेंट का अगर हम लोगों ने ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र किया है तो उसको 10 से 12 डे के बीच में हम लोग बीटा एचसीजी एडवाइस कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त हल्का हल्का बीटा एचसीजी ग्रो करना शुरू हो जाता है। अगर आपका डे 3 या डे 2 ट्रांसफ़र है तो डे 15 से डे 17 बीटा एचसीजी होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद। तो ये एक वे होता है जिस तरह से हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटा एचसीजी कराने की सुविधा नहीं है, आप गांव में हैं, पेरिफेरी में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप प्रेगनेंसी किट से अपना कर सकते हैं। अगर बीटा एचसीजी का लेवल्स लो आएगा तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही हल्की लाइन आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस किट को ध्यान से देखें, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि गाढ़ी लाइन आए तभी प्रेगनेंसी आए। तो अगर हल्की लाइन आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस किट को थोड़ी देर के लिए रखें, उसको सुबह के मॉर्निंग सैंपल से ही करें, मॉर्निंग यूरिन से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे अपने डॉक्टर को ज़रूर भेजें, बिकॉज अगर आप उसको अच्छे से डेसिफर नहीं कर पाएँ, बहुत बार आपकी प्रेगनेंसी होती है जो इनिशियल स्टेज में होती है, आपने तो मेडिसिन बंद कर दी तो प्रेगनेंसी वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक वे है जिस तरह से, और अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है तो भी आपको यूरिन से किया तो भी आपको ब्लड से बीटा एचसीजी कराना मैंडेटरी है, बिकॉज हमें आगे उसको चेक करना पड़ता है कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है या ये एक टॉपिक है या ये हेट्रोटॉपिक है या किस तरह से ग्रो कर रही है, आगे चल के फेलियर टू ग्रोथ हो जाएगा, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होगी, मिस्ड अबॉर्शन होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स क्या करते हैं, अक्सर यूरिन से किट से कर लेते हैं, उनके डबल लाइन आ गए, वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी IVF की जर्नी है वो नहीं ख़त्म होती है। IVF की जर्नी तभी ख़त्म होती है जब आप एक हेल्दी बच्चा अपने साथ ले जाओगे। उसके बाद वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, कब हम धड़कन देखने के लिए करते हैं, कब सैक देखने के लिए करते हैं। यूजुअली जब बीटा एचसीजी 2000 से ऊपर हो जाता है तो हम सैक्स, मतलब कितने बच्चे बने हैं, वो देखने के लिए करते हैं, प्लस वो बच्चे जगह पे हैं कि नहीं या वो देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो अल्ट्रासाउंड जो इनिशियल होता है वो धड़कन के लिए नहीं होता है, बिकॉज पेशेंट को जब हम वो स्कैन के लिए भेजते हैं पेशेंट बहुत एंग्शियस हो जाता है अगर धड़कन नहीं आती, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धड़कन वाला जो स्कैन होता है उसके बाद होता है, उसके बाद भी आपकी सीरियल मॉनिटरिंग होती है अल्ट्रासाउंड से देखने के लिए जो इंटरवल ग्रोथ होता है कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। सिर्फ चिपकना ही सोल्यूशन नहीं है कि इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद उसका ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस बच्चे का। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जान सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट कब हैं, कब हमारी कन्फर्म प्रेगनेंसी आई है। हम रखें आपका ख्याल।